अगर आप किसी भी रीजन से अपने एंड्रॉयड टीवी को लैपटॉप या पीसी में कास्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम देखेंगे कि हम अपने एंड्रॉयड टीवी को लैपटॉप में कैसे कास्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और इवन कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन में, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए अब हम लैपटॉप के अंदर वेब ब्राउजर ओपन करते हैं और हम सर्च करेंगे वर्महोल डाउनलोड। तो यहाँ पर ये पहला वाला लिंक हम ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ पर हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आप ऊपर डेस्कटॉप में अपने ओएस के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन है, चलिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले टीवी के अंदर हम जाएंगे सेटिंग्स में और हम ओपन करेंगे डिवाइस प्रेफरेंस और हम जाएंगे अबाउट में और हम बिल्ड वर्जन पे 7 times टैप करेंगे। इससे हमारा डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है। तो चलिए हम डेवलपर ऑप्शन ओपन करते हैं और डेवलपर ऑप्शन में हमें USB डीबगिंग को ऑन करना है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। इसके बाद हम वर्महोल को ओपन करेंगे। वर्महोल को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। चलिए हम वर्महोल ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं टीवी के अंदर हमने वर्महोल ओपन कर लिया है और लैपटॉप के अंदर भी हमने वर्महोल ओपन कर लिया है। और टीवी के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम एंड्रॉयड पे यहां पर क्लिक करेंगे और अभी हम वायरलेस में आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं वायरलेस के अंदर यहाँ पर हमें SWTV20AE दिख रहा है, चलिए हम इसके ऊपर टैप करेंगे और हमारा टीवी लैपटॉप के अंदर आ चुका है। चलिए मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर हमें आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसके थ्रू हम टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए टीवी का रिमोट ये रखा हुआ है और मैं इसके थ्रू टीवी को कंट्रोल करूंगा। देखिए टीवी होम पे आ गया है और आप कीबोर्ड के थ्रू भी टीवी में नेविगेट कर सकते हैं। हम इसके थ्रू टीवी के अंदर सेटिंग्स भी ओपन कर सकते हैं। जब हम एस्केप दबाएंगे तो ये फुल स्क्रीन नहीं रहेगा और हम रिमोट के थ्रू भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑपरेट करने के भी 2 तरीके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो।